हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शोमा और आप देख रहे हैं शोमा एंड सन्स। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मैं आपको बता दूं कि मैं होम डेकोर से रिलेटेड व्लॉग्स और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको इन टॉपिक्स पे इंटरेस्ट है तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जो मैं आपको संग शेयर करने जा रही हूँ वो है मेरा होम सेंटर का शॉपिंग हॉल। सबसे पहले मैंने होम सेंटर से इस तरह का एक प्लास्टिक का ग्लास लिया, ये बच्चों के लिए पानी पीने के लिए है और कई चीजों के लिए कार वगैरह में यूज करने के लिए मैंने ये ग्लास लिया है, नॉर्मल सा छोटा सा। इस तरह के दो टी लाइट होल्डर्स लिए, रेड एंड गोल्डन कलर का है। हॉल के थीम से काफी अच्छे से मैच हो रहा है तो इसलिए मैंने इसको लिया है और ये बहुत सुंदर, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। इसके बाद मैंने दो इस तरह के, ये सेट में है, इसके पहले वाला जो दिखाया वो भी सेट में था और ये भी टी लाइट होल्डर्स है। क्रैकल्ड जो ग्लास आता है उस तरह का है ये फिनिशिंग में और ये बहुत ही प्रिटी कलर है, बहुत ही प्यारा रेड कलर है। तो मैंने इसको कहीं पे रखने के लिए सोच के लिया है और मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि इसका। फिर एक मैंने इस तरह का टाई होल्डर लिया है, टाई ऑर्गेनाइजर्स, आजकल बहुत तरह के डिजाइन के आ रहे हैं तो मैंने इस तरह का एक लिया है, सिंपल सा और ये छोटा सा भी है और ऊपर इसमें हुक दिया हुआ है इस तरह का और इसको आप हैंग कर सकते हैं जहां पे कपड़े हैंग करते हैं वहीं पे, ये इस तरह का है और इसमें काफी सारी टाइज अच्छे से आ जाएंगी इसलिए मैंने इसको परचेज किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका डिजाइन भी बहुत प्यारा है और ये यूजफुल भी काफी लगा। फिर इस तरह का मैंने एक छोटा सा पैन लिया, छौंक वगैरह लगानी हो या एक छोटा सा ब्रेड सैंडविच बनाना हो या एग बनाना हो या लेफ्ट ओवर फूड को गर्म करने के लिए काफ़ी अच्छा है। छोटा सा होने की वजह से मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो ये मैंने एक परचेज किया है और इसका साइज देखिए मेरे हाथ के बराबर है, हाथ जितना है। फिर इसके बाद मैंने एक इस तरह का ट्रे का सेट लिया है, ये पतला है और काफी लंबा सा ट्रे है, 4 कप ऑफ टी इसमें आराम से आप कैरी कर सकते हैं, स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। ये 2 के सेट में आता है, एक ये डिजाइन है इसमें और एक ये डिजाइन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और रीजनेबल भी काफी था। ये 2 का सेट है और इसमें किचन में आप इसको अपने स्लैब पे पीछे की तरफ रख के और इसमें कुछ जो अगर चटनी या अचार से के जार्स छोटे छोटे होते हैं वो भी आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैंने उसी पर्पस के लिए लिया है। अब मैं देखती हूँ कि इसको कहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज करूंगी और इसका कलर और डिजाइन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मैंने एक ये टॉवल का सेट लिया है, ये सिंपल सा है, 2 टॉवल का सेट है, बाथ टॉवल जो होती है। वुडन स्पैचुलास लिए हैं, ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन मुझे मिल गए और स्पेशली जैसे ये वाला है, इस तरह का मेरे पास पहले भी था जो टूट गया था तो मैं बहुत दिनों से देख रही थी इस तरह का मुझे मिल जाए और इसमें 3 हैं, तीनों के डिज़ाइन अच्छे हैं और स्पेशली जैसे मुझे बिना पॉलिश वाले अच्छे लगते हैं क्योंकि पॉलिश जो होती है वो खाना बनाने के टाइम पे फूड के अंदर आ सकती है तो इसलिए मुझे बिना पॉलिश वाला चाहिए था तो ये मुझे वहाँ पे मिला तो मैंने इसको ले लिया और ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में भी था। इसके बाद मैंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर लिया, ये इसमें स्पून्स रख सकते हैं, जैसे कि ये बड़े स्पून्स हैं तो ये इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या आप इसमें कोई गमला भी रख सकते हैं, छोटा साइज का जो गमला होता है वो भी लगा सकते हैं, प्लांटर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ भी किसी भी तरह से जैसा आप चाहे वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लिया है एक इस तरह का, स्क्वायर शेप में है ये। इसके बाद मैंने इस तरह की एक ट्रे ली, ये इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं, 4 बर्ड्स हैं देखिए, और इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, एक लीफ बनी हुई है और लीफ का जो डिटेलिंग होता है वो भी किया हुआ है इसके अंदर। और साथ में 4 बर्ड्स हैं, इसमें आप स्वीट्स वगैरह सर्व भी कर सकते हैं या इसको डेकोरेशन की तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये सेरेमिक का बना हुआ है और काफी अच्छा है, नया डिजाइन है। इसमें सिंगल भी आते हैं, एक बर्ड और छोटी सी एक प्लेट का भी आता है जिसमें आप कैंडल्स जला सकते हैं या कुछ डेकोर के लिए कुछ यूज कर सकते हैं और ये मैंने 4 वाला लिया है।
तो इसमें आप कैंडी सर्व कर सकते हैं, स्वीट सर्व कर सकते हैं, या इसको किनारे डेकोर की तरह से भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, एकदम अच्छी डिज़ाइन है। आजकल बर्ड्स की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रही है। और अब मैं दिखा रही हूँ अपनी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़, वो मैं ये है एक ट्रे, और ट्रे में दिए गए हैं कुछ स्टोन्स भी, जिनको कि यहाँ पे एक छोटा, यहाँ पे देखिए थोड़ा कैविटी सा बना हुआ है, इसमें ये स्टोन्स डाल दीजिए थोड़े बहुत। इसके कलर भी बहुत प्यारे हैं, साथ में इसमें है दो कैंडल का, इस तरह से कैंडल्स रखने के लिए। स्टोन्स आप सारे भी अगर लगा सकते हैं, और साथ में एक इस तरह के गणेश। इसमें बहुत तरह के डिजाइन्स हैं और बहुत ही प्यारा, मुझे ये बहुत सुंदर लगा, इसको देखते ही तुरंत मैंने इसको ले लिया। और ये भी आई थिंक जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उनका बना हुआ है। ये जो स्टैंड है ये वुडन है, बाकी चीज़ें शायद प्लास्टर ऑफ पेरिस की है। और ये सेट मुझे बहुत प्यारा लगा, इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है, इसका जो बैक है उसका भी डिज़ाइन बहुत सुंदर है। ये देखिए डिज़ाइन काफ़ी अच्छा सा शोपीस सा है, गिफ्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है, और घर में सजाने के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारा सेट है। एक और भी क्या शॉपिंग उस दिन किया था, वो सब एप्रन लिया था, नॉर्मल सा कॉटन का एप्रन है, और येलो और व्हाइट कलर में है ये। इसकी डिजाइन इस तरह से है। फिर आप ये जो मेरे पीछे एक पिलो देख रहे हैं, ये पिलो मैंने लिया, ये जो पिलो है ये मैंने लिया, इसका कवर लिया, और इसमें जो फिलर है ये भी मैंने दोनों चीज लिया था। और ये पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है इसके ऊपर, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, इतना अच्छा लग रहा है ये देखने में, और काफ़ी अच्छा मैच भी हो रहा है मेरे रूम में। साथ ही मैंने इस तरह की बास्केट का सेट लिया है, ये विद लिड आता है बास्केट, और ये काफ़ी अच्छा है फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए, आलू प्याज रखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, कबर्ड में ऑर्गेनाइजर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने उसी पर्पज़ से लिया है। ये 3 का सेट है, ये सबसे बड़ा साइज़ है, ये जो साइज़ है ये सबका, ये ऊपर का साइज़ सबका सिमिलर है, और ये जो डेप्थ वाला है ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये साइज़ है इस तरह का। ये वाला मैंने किचन के लिए लिया है, और ये मैंने कपड़े वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए लिया है ये वाला, और एक छोटा है ये भी मैंने किचन के लिए यूज़ करना स्टार्ट भी कर दिया है इसको। ये देखिए इस तरह का छोटा साइज है। तो इसमें जो बहुत सारे जो फालतू चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्क्रब्स वगैरह हम लोग एक्स्ट्रा जो ले लेते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, बहुत सारे ऐसे निक-नैक चीज़ें होती हैं जो किचन में इधर उधर पड़ी होती हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। और फिर उसके बाद मैंने इस तरह के छोटे वाले कुशन कवर्स लिए, ये 5 मैंने लिए हैं, ये सेट नहीं है अलग अलग थे, और ये मैंने 5 चूज किए हैं। एक देखिए इस तरह का पर्पल है, इसमें गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और फिर एक इस तरह का है ब्लू और ग्रे के बीच का कुछ कलर आ रहा है, इसमें शेड ऐसे से करके आता है, और बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी इसमें एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है इसमें। फिर एक इस तरह का मिरर वर्क वाला मैंने लिया, ये ब्लू कलर का है, इस तरह के मैंने 2 लिए। ये देखिए ये 2 एक ही जैसे लिए, और एक ये पर्पल का मिरर वर्क है। ये सारे जो है ऑलमोस्ट मिलते जुलते से कलर हैं, अगर एक साथ अगर इनको लगाएं तो ये सेट जैसा ही लग रहा है। ये मैंने लिए हैं, और ये सारे मुझे बहुत पसंद आए,
ये इसका प्राइस आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि इसका प्राइस था 149 रुपीज का ईच, और इसमें 60% डिस्काउंट था, और डिस्काउंट के बाद मुझे ये मिला 60 रुपीज का। इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, पीछे का भी जो दिया हुआ है ना वो कपड़ा पतला नहीं है, अच्छा खासा मोटा सा कपड़ा है जो पीछे दिया, और पूरे में लाइनिंग भी लगी हुई है। डेली यूज के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ ये स्पेशल ओकेजन्स पे बिछाने के लिए काफी अच्छा है। और होम सेंटर से मैंने इस तरह का एक छोटा सा टोंग भी लिया, ये मल्टीपर्पज है। और मैंने कुछ इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस लिए, काफी अच्छे एयर टाइट बॉक्सेस है, और ये 3 के सेट में आते हैं। ये बॉक्स मैंने लिए, इसका कलर मुझे बेहद पसंद आया था। और लिए कुछ माइक्रोफाइबर क्लोथ्स ड्राई और वेट डस्टिंग के लिए। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, और आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, मेरे सेलेक्ट किए हुए चीजें आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेरे इन सब चीजों में सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा जो ये डेकोरेशन का पीस था, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, और ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। मेरी शॉपिंग में आपको क्या चीज ज्यादा पसंद आई आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।